Yes, Tanveen. Yes, Yes, ma'am. is visible to you, beta. Yes, ma'am. Thank you. Yes, students, as you all know, we are celebrating 75 years of Independence Day. This year is very special for us. Why? Because this year we are celebrating Platinum Jubilee. Okay, Silver Jubilee for 25 years, Golden for 50, and Platinum for 75 years. Here, Independence Day, आजादी, जिसको हम कई बच्चे सिर्फ 15 अगस्त को याद करते हो, आप सब बच्चे WhatsApp पे अपना स्टेटस, whatever जो जो भी है, सिर्फ 15 अगस्त एंड 26 जो है रिपब्लिक डे, और उसके बाद फिर हमारी जो डेली रूटीन है हम भूल जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये जो दो दिन है वो आपको ये याद दिलाते हैं कि आज जो आजादी, जो इंडिपेंडेंस आप लोग इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, इसके पीछे बहुत से जो रेवोल्यूशनरी, फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने अपनी लाइफ और अपनी फैमिलीज को सेक्रीफाइस किया. एट दैट टाइम देयर प्रायोरिटी वॉज देयर कंट्री, देयर मदरलैंड, देयर नेशन. उस टाइम पीरियड में लोग अपनी कंट्री को भारत माता कहते थे. जैसे हम अपनी मदर के लिए, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे उस टाइम पीरियड में लोग अपने अपनी कंट्री को, अपनी जो है वो भारत, जो हमारी लैंड है, मदरलैंड है, इसको मदर. और आपको पता है उस टाइम पीरियड में ना जो हमारी कंट्री का फ्लैग, उसके फ्लैग के ऊपर भारत माता की इमेजेस, और उनको जंजीरों से जकड़ा होता था, और लोग उसको देखकर ये कहते थे कि हम अपनी भारत माता की गुलामी जो है उसको आजाद करवाने के लिए कुछ भी कर सकते. एंड ईच एंड एवरी पर्सन दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओन वे. चाहे पीसफुल महात्मा गांधी जी का रास्ता अलग था, ठीक है, चाहे रेवोल्यूशनरीज, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को तो हम कभी नहीं भूल सकते, ठीक है. आप आज भी अगर कोई भी पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हो या कोई भी पेट्रियोटिक मूवी देखते हो, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको उस टाइम के पीरियड के बारे में पता लगता है कि कैसे उस टाइम पीरियड के लोग जो थे ब्रिटिशर्स के अंडर एक्सप्लॉइट किया जाता था. टुडे वी आर फ्री, वी आर वेरी लकी दैट वी आर फ्री बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग. हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे लिए इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन क्या है? आप बच्चों के लिए क्या है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने केक काटा, ठीक है, आपने व्हाट्सएप पे अपना फ्लैग जो है वो लगा दिया, या आपने जस्ट जो भी आपका स्क्रीन शेयर है या व्हाटएवर जो आपने लगा दिया. बट अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, आजादी का मतलब क्या है, कि हम अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को ना भूलें, और अपनी तरफ से अपनी कंट्री के लिए कुछ भी ऐसा करें ताकि हम अपनी कंट्री को वर्ल्ड में बेस्ट जो है वो लेकर जाए. वो कैसे कर सकते हैं हम? एक तो क्लैनिनेस, अपनी कंट्री की जो क्लैनिनेस है. सेकेंड थिंग, बाय डूइंग योर एफर्ट, हार्ड वर्क, योर स्टडी. आप खुद इतना अच्छा पढ़ो कि आप अपनी कंट्री में कल्चरल, एजुकेशनल जो है वो चेंज लेकर आओ, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ठीक है. तो डे बाय डे आर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, बट स्टिल आर कंट्री इज इन द लिस्ट ऑफ, इज इन द लिस्ट ऑफ, यस, डेवलपिंग. वी आर नॉट डेवलप्ड. व्हाई वी आर नॉट डेवलप्ड? बिकॉज मे बी ड्यू टू हाई पॉपुलेशन इज देयर, ड्यू टू पॉवर्टी इज देयर, ड्यू टू स्लम्स एरियाज आर देयर, ठीक है. सो ये तभी हो सकता है जब आगे जाके आप इतनी स्टडी करो, रिसर्च एक्टिविटीज करो, सो दैट आप भी कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करो, ठीक है. सो दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड आप सब बच्चों के व्हाट्सएप स्टेटस पे आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रगान.com जो है उसमें आप कुछ बच्चों ने जिसमें अपना नेशनल, अपनी आवाज में नेशनल एंथम जो है रिकॉर्ड किया होगा, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिला होगा. तो ये जस्ट क्या है? टू मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि कितने लोगों ने इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, इंपॉर्टेंट बनाने के लिए दे कॉन्ट्रीब्यूटेड. और आपको पता है कल 15 अगस्त जो है रेड फोर्ट पे, जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी, एट दैट टाइम दिस नेशनल एंथम विल बी प्लेड. उस टाइम ये प्ले किया जाएगा, एंड जितने लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया ना, उसकी वन साउंड विल बी, मतलब अलग अलग लोगों ने इसको गाया है, लेकिन इसको टेक्निकली जो है वो एक साउंड एयरपोर्ट, जितने भी हमारी कंट्री के एयरपोर्ट है उस टाइम वहां पे भी प्ले होगा, ठीक है. एंड ये अब देखो कैसे होगा, ये जरूर आप देखना, एक्सपीरियंस करना कि हाउ दिस विल हैपन. एंड ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा,
कि हमारी कंट्री के लोगों ने मास लेवल के ऊपर जो है वो नेशनल एंथम गाया है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैंने भी गाया, आपने भी गाया, ठीक है, और आपको सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट मिलना एक इनिशिएटिव है ताकि हर बच्चा जो है यहाँ लोग जो है वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है। क्यों इसको कहा गया आजादी का अमृत महोत्सव? बिकॉज 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर सेलिब्रेटिंग। क्लियर? नाउ यू कैन सी सेकेंड इमेज, द डे व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू ही गेव अ स्पीच। आप ये सोचो कि ये जो डे है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री में फर्स्ट जो है वो स्पीच दी होगी। एंड उस दिन लोगों ने, जिस टाइम पीरियड में फर्स्ट डे जब लोगों को ये फील हुआ कि हाँ टूडे वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, यानी कि येस्टरडे और उस दिन के फर्क में, उस दिन में कितना फर्क हो, ठीक है। सो दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यस, इसमें हमारी कंट्री में जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते थे ना, उनका मेन मोटिव क्या था? स्पाइसेस, ठीक है, बिकॉज इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क, टी एंड मैनी कमोडिटीज वर प्रोड्यूस इन इंडिया, एंड द मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज टू ट्रेड इन इंडिया। यहाँ पे वो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, एंड यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स मेनली अपना टाइम पास कैसे करते, शिकार करना, ठीक है, या हिली एरियाज में जाना। देखा जाए तो हमारी कंट्री में आज भी डलहौजी एक गवर्नर जनरल के नेम पे है, डलहौजी जो हिल स्टेशन है वो उनके नेम पे, और इवन आप देखोगे हर हिल स्टेशन में जो है वो चर्च जरूर होता है। तो रीजन इज कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो समर सीजन में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते थे, बिकॉज वो यहाँ के क्लाइमेट या यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं रहते। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत लेविश लाइफ एंजॉय की, एंड दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम आवर कंट्री। और जब वो वापस जाते थे तो उस टाइम उनके पास बहुत ज्यादा मनी है। तो आप ये सोचो कि इस टाइम पीरियड में वी इंडियंस वर एक्सप्लॉयटेड बाय दीस। देन द मेन इंपॉर्टेंस दैट वी कैन गिव टू दिस डे इज बाय गिविंग आवर होमेज। होमेज का मतलब होता है, आप देखते हो कि फ्लैग होस्टिंग होती है, फ्लैग होस्टिंग एक जस्ट सेरेमनी नहीं है, फ्लैग होस्टिंग का मतलब है कि जब हम फ्लैग होस्ट कर रहे हैं, इट मींस हम जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको याद कर रहे हैं, और उन्होंने जो हमारी लाइफ में, कईयों का तो हमें नाम पता है, कईयों का नाम भी नहीं पता, तो अल्टीमेटली एक होमेज होता है, हमारी रिस्पेक्ट है उन लोगों को दे रहे हैं हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ देयर फैमिलीज फॉर इंडिपेंडेंस। क्लियर? Each year 15 August gives us a reason to celebrate all this and it's time to commemorate का मतलब होता है कि उन लोगों को हम याद करें जिन लोगों ने हमारी freedom या हमारी जिसे हम कहते हैं independence के लिए contribute किया। And this day is also important because India divided into two countries. India, आपको पता है पाकिस्तान अपना independence day कब celebrate करता है? हाँ, ठीक है। तो this day when India divided into two countries, India and Pakistan, and this is also a national holiday. Other than this, national holidays कौन कौन से होते हैं? गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, ठीक है, नेशनल हॉलीडे। क्लियर? रेड फोर्ट, इसे रेड फोर्ट प्रॉपरली डेकोरेट किया जाता है, ठीक है, एंड दिल्ली में अलग अलग स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं ट्राई कलर यूनिफॉर्म में, तो अभी तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण जो है वो स्ट्रेंथ काफी कम होती है, लेकिन पहले जब इसको ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक है। सो दिस इज आवर ड्यूटी, वी ऑल शुड सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्लेज ले सकते हैं जिसमें हम अपनी कंट्री की फ्रीडम को और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को और अपनी कंट्री में जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इरेडिकेट करने के लिए हम हर तरफ से जो है वो एफर्ट्स कर सकते हैं। Clear? So, that's all. Okay. Yes, Dipali, keep your mic on. Dipali, keep your mic on, beta. Yes, ma'am. Okay, tell me the names of five freedom fighters who contributed in our freedom struggle.
फाइव फ्रीडम फाइटर्स, सबसे पहले फाइव फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में किसका नाम आता है बेटा आपके अकॉर्डिंग? यस भगत सिंह और महात्मा गांधी और सेकंड और वेरी गुड हाँ जी गौरव, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, वेरी गुड। ठीक है, सो आप बच्चे आप इंडिपेंडेंस डे पे आप इन फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज जो है वो पढ़ो और उनकी लाइफ में उन्होंने जो भी किया वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर बेटा? यस। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर्म्स। जैन का रोल नंबर कितना है? 26। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वन मार्क क्वेश्चन वन वर्ड लाइक यू हैव टू जस्ट डिफाइन डिफाइन लिब्रे यूनिट ऑफ करेंसी। ठीक है, यस लिब्रे, लिब्रे वॉज अ यूनिट ऑफ करेंसी, लेकिन आपको पता है ये डिसकंटिन्यू हो गई 1789 के बाद। लिब्रे करेंसी जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी, इसको चेंज कर लिया गया था। ठीक है, तो आपने ये बताना है यूनिट ऑफ करेंसी डिसकंटिन्यू आफ्टर 1789। ठीक है, देन क्लर्जी, यस चर्च पीपल। ठीक है, क्लर्जी हु वर डिफाइंड क्लर्जी, क्लर्जी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स who were given such like duties in the church, जिनको चर्च में ड्यूटीज मिली थी। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते थे पीपल हु बिलोंग टू फर्स्ट एस्टेट। ठीक है, देन टाइथ, टाइथ रिलीजियस टैक्स, रिलीजियस टैक्स कितना था? 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसका मतलब है फ्रांस में फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स बेचने के बाद जो भी इनकम होती थी दैट टोटल डिवाइड बाय 10। ठीक है, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज गिवन टू किसको देना पड़ता था? चर्च, रिलीजियस टैक्स, रिलीजियस टैक्स होता था। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस, कंडीशन इन विच फूड क्लोथ एंड शेल्टर इज इन डेंजर। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है द कंडीशन इन विच फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर आर इन डेंजर, यानी कि जब किसी पर्सन को खाना नहीं मिलता, क्लोथिंग नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? ही और शी कैन डाई। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस, जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो ना मिले। तो ये प्रॉब्लम किस टाइम में आ रही थी? 1789 में। दैट्स व्हाई पीपल दे वांटेड टू एंड मोनार्की सिस्टम। देन नेक्स्ट इज मॉन्टेस्क्यू, नेम द बुक रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, देन व्हाट वाज डायरेक्टरी, व्हाट वाज डायरेक्टरी, हम अभी एक मिनट याद रखना, यू हैव टू राइट द आंसर फॉर वन मार्क, और ये वन मार्क का मतलब है एमसीक्यू बेस पे टिक द करेक्ट होगा। तो आप इसका मतलब है कि आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तब डेफिनेशन क्लियर होगी तभी आपको पता होगा ना। तो डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी वॉज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वॉज इंट्रोड्यूस आफ्टर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इसमें क्या होता था? फाइव डायरेक्टर्स प्लस टू काउंसिल्स, ये काउंसिल्स अपने में से फाइव डायरेक्टर्स को इलेक्ट करती थी, और इसीलिए इसको क्या बोलते थे? डायरेक्टर्स, क्योंकि फाइव डायरेक्टर्स, जैसे होता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है? ग्रुप होता है, उसमें डायरेक्टर्स होती हैं, और कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है ना वो वोटिंग करते हैं। वोटिंग का मतलब होता है वोटिंग 3:2 भी हो सकती है, 4:1 भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? 3:2 कभी होता ही नहीं था। हर पर्सन जो था वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाना चाहता था, एंड दिस वाज़ द रीजन व्हाई इन फ्रांस पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस फ्रॉम डायरेक्टरी गवर्नमेंट।
नाउ दे वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट, क्योंकि अब उनका फेथ डेमोक्रेटिक से भी उठ गया, मोनार्की से भी उठ गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से भी उठ गया था, ठीक है, रिपब्लिक से भी उठ गया था, डायरेक्टरी से भी उठ गया था. तो इसके लिए वीक कंडीशन का फायदा किसने लिया? नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द बुक रिटन बाय रूसो. सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, हु वॉज एबेसी, हु वॉज एबेसीए, एबेसीए कौन थे? तीन तरह से आंसर आ सकता है. लीडर ऑफ नेशनल असेंबली, राइटर ऑफ विच पैम्फलेट, व्हाट इज एन थर्ड एस्टेट, एंड किससे बिलोंग करते थे ये, कौन सी स्टेट? याद रखना फर्स्ट स्टेट. तो तीनों स्टेटमेंट से कुछ भी आ जाए तो आंसर ऐसे आ सकता है, लाइक एबेसीए बिलोंग टू फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट. फर्स्ट ऐसे याद रखो. व्हाट इज एन थर्ड स्टेट पैम्फलेट वॉज रिटन बाय मिराबियू, एबेसीए और वोल्टायर? एबेसीए. ठीक है, और लीडर ऑफ नेशनल असेंबली एबेसीए, मैक्सिमम रॉबेस्पियर और नेपोलियन बोनापार्ट? ठीक है, तो जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपको डिटेल पता हो, ताकि आंसर किसी भी तरह से मोल्ड होके आ सकता है, ट्विस्ट होके आ सकता है. एंड आपके एमसीक्यूज जो हैं, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे. स्टेटमेंट में क्या होता है? स्टेटमेंट बेस्ड जो है स्टेटमेंट होगी, आंसर्स होंगे. सेकंड क्या होता है? मैच द कॉलम्स, ग्रुप होगा उसमें. थर्ड होता है अजर्शन एंड रीजनिंग. ये कई बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है. अजर्शन एंड रीजनिंग में बच्चे क्या होता है? टू स्टेटमेंट्स विल बी गिवन. ठीक है, लाइक मैं आपको एक स्टेटमेंट कहती हूँ, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सेकंड मैं कहती हूँ, इंडिया इज अ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. हाँ, इसका मतलब क्या है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिया इज अ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. ठीक है, रीजन, रीजन नीचे वाला है. रीजन जो है, रीजन इज नॉट अ करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन. ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टिंग, बोथ आर ट्रू, और जो रीजन है दैट इज करेक्ट फॉर असर्शन, दैट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. असर्शन का मतलब फर्स्ट वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रीजन का मतलब जो सेकेंड वाला रीजन. तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ग्रुप में कैसे आंसर आ सकता है? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट. रीजन इज द स्टेटमेंट और रीजन इज द पार्ट, रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लाइक दिस. ठीक है, और इसके अलावा एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं. सोर्स बेस्ड पैराग्राफ विल बी गिवन, एंड क्वेश्चन लाइक जैसे पंजाबी और इसमें लैंग्वेज में केस स्टडीज होता है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट इज 1774 ईयर है, तो जस्ट बताओ इस ईयर की इंपॉर्टेंस. लुई 16th ही असेंडेड द थ्रोन. 17, आप ये सोचो कि हमने फ्रांस की हिस्ट्री कहां से कहां तक पढ़ी? 1774 से. इन बिटवीन सबसे इंपॉर्टेंट ईयर हमने पढ़ा 1789, और उसके बाद आपकी बुक में लास्ट, एक सुनो, लास्ट है 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, लेकिन इसके बाद भी हमने कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ी हैं, 1848 एंड लास्ट पढ़ा 1946. क्लियर? जब ऐसे किसी चैप्टर की टाइमलाइन को याद करोगे ना, तो इमीडिएटली आपको माइंड में सारी इवेंट्स आ जाने हैं. कैसे? ये देखो, 1774 में किंग लुई 16, इन बिटवीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जब उसने मीटिंग की, मीटिंग के बाद टेनिस कोर्ट ऑथ, ठीक है, टेनिस कोर्ट ऑथ में नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली बनी. नेशनल असेंबली के लीडर्स ने मिलकर कंट्री के लिए क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इन बिटवीन यानी कि 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल को डिमोलिश कर दिया, और किंग को ऑर्डर पास करना पड़ा 4 अगस्त 1789 टू एबॉलिश एस्टेट सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया. उसके बाद 1792 में क्या हुआ? वॉर और जैकोबिन क्लब, ये कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद 1792 में क्यों इंपॉर्टेंट ईयर है? जैकोबिन क्लब.
उसका ओरिजन हुआ, प्लस एज वेल एज कंट्री में वॉर भी चल रही थी, ठीक है। इसके बाद 1793 to 1794 का रूल, ठीक है, उसको बाद 1794 में उसको गिलोटीन कर दिया गया, और उसके बाद कौन सा रूल आया, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी रूल आया, लेकिन डायरेक्टरी रूल ज्यादा देर तक नहीं चल पाया, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट 1804 के बाद 1815 तक, यहां तक बैटल ऑफ वाटरलू, उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू में फ्रांस वॉर डिफीटेड बाय फोर मेन कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बताना है 1815 के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें फिर से कंट्री में मोनार्की सिस्टम आ गया, कंजर्वेटिव सिस्टम आ गया, लोगों की फ्रीडम्स वापस ले ली गई, एंड एट दैट टाइम वी कैन से दैट जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों के जो उनको नई नई फ्रीडम मिली थी, ऑल इन वेन। देन फाइनली ये सारा हम कब पढ़ेंगे, फिर टेंथ में जाके पढ़ना हमें, यानी कि टेंथ का सिलेबस क्या है, 1815 से 1848। फाइनली फ्रांस बिकेम रिपब्लिक इन विच ईयर, 1848, एंड फ्रांस की विमेन को राइट टू वोट कब मिला, 1946 में। यहाँ पे सिर्फ मेन है, और एज जो है वो डिफाइन कर दी गई 21 years, सिर्फ मेन के लिए, ओनली टू मेन, ये आप टेंथ में पढ़ोगे, क्योंकि इससे पहले 25 years वाले जो मेन थे उनको ही राइट टू वोट था। 1848 में क्या किया गया, राइट टू वोट वॉज गिवन टू ऑल द मेन अबव द एज ऑफ 21। इसके बाद फाइनली विमेन को राइट टू वोट कब मिला, 1946। 1848 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुई थी, स्लेवरी सिस्टम वॉज एबॉलिश, लेकिन उससे पहले भी स्लेवरी को खत्म किया गया था, कब खत्म किया गया, 1794। ऑप्शन में कुछ भी आए, सपोज अगर आपको आए जैकोबिन वो भी ठीक है, अगर मैक्सिमिन रॉबेस्पियर आए तो भी ठीक है, कन्वेंशन आए तो भी ठीक है, और सी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ऑल आर करेक्ट। हाँ, उसी की पार्लियामेंट का नाम कन्वेंशन था। अब हाँ जी, 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब पार्लियामेंट का भी नाम याद रखो, कई बार आपको पॉलिटिकल बॉडीज है पार्लियामेंट का नाम, सपोज लाइक लुई 16 की पार्लियामेंट का नाम क्या, जो गम्मी पार्लियामेंट थी, मीटिंग तो होती थी लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता था मेन, उसको कहते थे एस्टेट जनरल की मीटिंग्स। किंग ने इसको बुलाया और उसमें वोटिंग क्राइटेरिया अनजस्ट था, सो दैट्स व्हाई पीपल दे वॉक आउट फ्रॉम द असेंबली। सेकेंड टाइम इसको रीनेम कर दिया, क्यों, क्योंकि लोगों ने क्या किया, 14 जुलाई 1789 को पैलेस ऑफ वर्सायल डिमोलिश, रीनेम किया, क्या बना, नेशनल असेंबली। लेकिन ये जो नेशनल असेंबली बनी ना, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इसके लीडर कौन थे, मैक्स एबेसिए एंड मिराबी। उसके बाद जब 1791 में कंट्री का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर से इलेक्शंस करवाए गए, और इस बार नेशनल असेंबली के नए मेंबर्स थे 745 मेंबर्स। ये भी नेशनल असेंबली थी, लेकिन ये 1791 के बाद, यानी कि इन्होंने तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाद में कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए, और उन इलेक्शंस में इन मेंबर्स को किसने चुना था, इलेक्टर्स ने चुना था, बच्चे याद रखना, इलेक्टर्स ने। और इलेक्टर्स को कौन चुनते थे, एक्टिव सिटीजंस, क्लियर। ये क्या थी, ये भी नेशनल असेंबली है, ये भी नेशनल असेंबली है, लेकिन ये नेशनल असेंबली मिराबी और एबेसिए ने मिलकर जिस असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद क्या हुआ, 1791 में कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए, नई नेशनल असेंबली बनी, और इसमें 745 जो मेंबर ऑफ असेंबली थे उनको किन्होंने चुना था, इलेक्टर्स ने। इलेक्टर्स को किन्होंने चुना था, एक्टिव सिटीजंस। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम किंग टू इन द हैंड्स ऑफ पीपल, लोगों के हाथ में पावर जब आई कि वो इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रूलर को नहीं, किसको इलेक्ट कर सकते थे, मेंबर्स को। नेशनल असेंबली को हाँ, इसके बाद
फिर पार्लियामेंट का नाम चेंज हुआ किसके बाद, फोर्थ, जब राइन ऑफ टेरर, ये क्वेश्चन कितने तरह से आ सकता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पार्लियामेंट अंडर राइन ऑफ टेरर कन्वेंशन, व्हाट वाज द नेम ऑफ पार्लियामेंट अंडर मैक्सिमम रॉबेस्पियर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट अंडर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कन्वेंशन, रेवोल्यूशनरी क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रॉबेस्पियर को रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कहा जाता था, कन्वेंशन, पार्लियामेंट का नाम कन्वेंशन, ये कितने साल रही, ओनली फॉर वन ईयर, उसके बाद फिर चेंज हुआ, आप देखो कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी, लोगों लोग किसी भी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते थे, कीप ऑन चेंजिंग, फिफ्थ द वेरी गुड, पार्लियामेंट का नाम नहीं डायरेक्टरी गवर्नमेंट का नाम है, और पार्लियामेंट क्या थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कितनी थी, वन या टू, टू, जैसे हमारी कंट्री में लोकसभा है राज्यसभा, ऐसे ही रूल, गवर्नमेंट का नाम डायरेक्टरी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो थी उसको कहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद डायरेक्टरी रूल रहा, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद पार्लियामेंट को खत्म कर दी, पार्लियामेंट का नाम नहीं था क्योंकि डिक्टेटर में पार्लियामेंट होती नहीं, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में नेपोलियन का कहा गया हर वर्ड ही लॉ था, तो पार्लियामेंट नहीं, तो अब ये देखो कि पार्लियामेंट जो है चेंज होते की जैसे से रूलर चेंज होते की, एस्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी अंडर लुई 16, देन नेशनल असेंबली, इट वाज अंडर द टाइम ऑफ लुई 16, सेम नाम वाज सेम, व्हाट इट वाज रीनेम्ड एज कन्वेंशन ड्यूरिंग मैक्सिमम रॉबेस्पियर, देन इट वाज अगेन रीनेम्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड आफ्टर 1804 पार्लियामेंट सिस्टम जो अबॉलिश कर दिया, एंड उसने 1804 का सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया, नए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, वो सिर्फ उसने किए, नेपोलियन बोनापार्ट ने, उस टाइम में कोई पार्लियामेंट नहीं, क्लियर, ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठहरे हाँ जी, बहुत ध्यान से इसका आंसर देना, हु एबॉलिश स्लेवरी इन फ्रांस, हु, Who, मतलब मैं पर्सन का नाम जानना चाहती हूँ, ओके आई एम गिविंग यू ऑप्शन, नेपोलियन बोनापार्ट, मैक्सिमम रॉबेस्पियर, लुई 16 या एबेसिये, एबेसिये, हाँ जी आंसर इज मैक्सिमम रॉबेस्पियर, ऐसे हमेशा याद रखना, ऑप्शंस होंगे ना तो आपको आंसर जल्दी क्लिक करेगा, ये मेन जो है वन मार्क क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, एमसीक्यूज में ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू पिक द राइट आंसर, कई बार दो आंसर भी सेम हो सकते हैं, ऑल द अबव भी हो सकता है, हाँ जी, हाँ दोबारा आया था लेकिन उसको रीइंट्रोड्यूस किया, एबॉलिश और रीइंट्रोड्यूस में फर्क क्या है, एबॉलिश का मतलब खत्म कर देना, बाद में स्लेवरी सिस्टम जो है फाइनली एबॉलिश, वो पर्सन नहीं है, वो ईयर आपने याद रखना है 1848 में फाइनली जो है उसको एबॉलिश किया, जब कंट्री में रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी थी, मोनार्की को खत्म कर दिया था, ये आप टेंथ में याद रखोगे साहब, रिपब्लिक गवर्नमेंट, ठीक है, हाँ जी गुरपाल, यस गुरपाल, मैम आपने कल बोला था कि मैम नेपोलियन बोनापार्ट ने भी मैम की थी मैम स्लेवरी एबॉलिश, मैम फिर से शुरू हो गई थी, एबॉलिश नहीं की उसने, रीइंट्रोड्यूस की, बच्चे ये वर्ड याद रखो, रीइंट्रोड्यूस और एबॉलिश में फर्क क्या होता है, एबॉलिश का मतलब खत्म किया गया, एबॉलिश, और रीइंट्रोड्यूस का मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको फिर से स्टार्ट कर दिया, मैक्सिमम रॉबेस्पियर तो स्लेवरी के खिलाफ था ना, क्योंकि वो कॉमन पर्सन था, वो कभी नहीं चाहता कि कॉमन लोगों को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाए, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेने के लिए उसने स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट डिक्टेटर था, ही रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है, यस,
एनी डाउट बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आई एम गोइंग टू एंड नेक्स्ट वीक आई विल रिवाइज सिविक्स बेटा।